यही कहना है कि अम्बी गली बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए, पहला बिल्कुल बढ़िया थी और ये ठेकेदार ने पाके का गेट दिया, कोई हाल नहीं है इसका। सर भी नहीं होगी, टांग टूट रही है उसने, मैं ठाठा का गुद्दी पर पकड़ ली थी का एक का उसका अदरंग हो रहा है वो कालू रियो डाक। गली की समस्या जी बहुत है, हमारे अगला पासा घर चुने आई लाग रही, हमारा सामान कुछ नहीं पहुँच सकता, आराम घास लेकर आवा तो गोद लेकर चला चिक्कड़ में चल जाता। साहब ने अपना गांव में समस्या का समाधान किया पानी की निकासी का, वैसे ही हमारी गलियों का समाधान किया जाए, डीसी साहब से हम यही अपील करते हैं। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव, ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको गांव दीवाल की दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि गलियों का कितना बुरा हाल है, बार बार ग्रामीण है जो वो उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जो पब्लिक हेल्थ ने पाइप की लाइनें जो दाबी थी उसके बाद जो गली है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, और जो बरसात के बाद तो इतना जो कीचड़ है वो इनकी जो दीवार है या घर हैं वो भी बिल्कुल जो खस्ता हाल है उनकी हो गई है, और पानी के इतना बुरा हाल है कि यहाँ कोई भयंकर जो बीमारी है वो भी फैल सकती है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हमारी डीसी महोदय से भी यही अपील है कि इस वीडियो को देखकर जैसे उन्होंने गांव खनौदा की समस्या पर संज्ञान लिया था, इस समस्या पर भी तुरंत संज्ञान ले और जो ग्रामीणों की ये भयंकर समस्या है ये जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके। तो आइए बातचीत करते हैं ग्रामीणों से। हाँ जी, नाम आपका? सुनील कुमार जी। जी, ये जो समस्या है कैसे बनी? ये तो गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी जी ठेकेदार के द्वारा, तो उसकी जिम्मेवारी भी थी भी ब्लॉक लगा के देने की, लेकिन उसको हमने बार बार फोन भी किए, वो फोन नहीं उठाता, कभी कहता है मेरा मैं नहीं करता इसको, वो बिल्कुल मना कर रहा है, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। लेडीजें घास लेके भी आती हैं, गोबर गिरने भी जाती हैं, तो गिरने का खतरा रहता है, जिसे मकानों के साथ भी पानी लग रहा है, भाई मकान ढहने का भी खतरा है जी। इस करके हम बहुत परेशान हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो तो हम पे चौंक को जाम करेंगे जी। मतलब कितने दिन हो गए जो ठेकेदार ने जो ये इसको लगभग कम से कम 4 महीने हो गए जी। 4 महीने हो गए? हाँ जी हाँ जी। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई? ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इसको लेकर आप कभी पब्लिक हेल्थ में या जो उच्च अधिकारियों से कभी मिले हो? नहीं, उनसे तो नहीं मिले जी, ठेकेदारों का हमने बार बार फोन किया जी। जी, मैंने कल सीएमओ को ट्वीट भी किया था जी, ट्वीट भी किया लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ जी, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बारिश में तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता? हाँ, बारिश में बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। जैसे डीसी साहब ने खनौदा गांव में समस्या का समाधान किया पानी की निकासी का, वैसे ही हमारी गलियों का समाधान किया जाए। डीसी साहब से हम यही अपील करते हैं, कर्मचारियों को आदेश देके ताकि हमारी गलियां फिर से जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए। नाम मुनीश कुमार जी। हाँ जी, आपका क्या कुछ कहना है? यही कहना है कि हमारी गली बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए, पहला बिल्कुल बढ़िया थी और ये ठेकेदार ने पाके का गेट दिया, कोई हाल नहीं है इसका जी। बिल्कुल टपन ध्याने हो जैसे मरीज बैठा हो भाई, और बहुत है हमारे बूढ़े बढ़ेरे हैं, ना कोई साधन आंदा उधर, सड़क पर बहुत दूर पड़ा, सड़क पर मंजी पर डालकर ले जाना पड़ता है और बहुत दिक्कत का सामना करता पड़ता है यहाँ पर। मेरा नाम विक्रम है जी। जी हाँ जी, हमने ठेकेदार से बार बार ये बात कही कि ठेकेदार साहब इनको कम से कम ब्लॉक तो लगाओ इनके ऊपर, तो ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है, हमारा जब पीछे से हमें कोई मजदूर या कोई भी मिलेगा तो जब ही हम इसको पास करेंगे। तो कल वो यहाँ पे पिता मार के भी चले गए, हमने कल भी उसको बात कही कि भी आप यहाँ पर पिता लगा रहे हो तो आप इसका कोई समाधान तो करो, ये पानी है जो हमारे मकान ढह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ को निकलने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, भाई है, इसकी टांग टूट रही है, उसको हमको शहर में कोई दवाई दिलाने के लिए ले जाना पड़ता है, तो ये हमने यहाँ से कंधे पर डाल के या मंजी पर डाल के तो वहाँ बस स्टैंड तक लेके जाना पड़ता है सर जी। तो यहाँ पर कोई साधन वाला भी नहीं आता है, ऑटो टेम्पो वाला भी नहीं आता है, तो सर हमारे लिए बहुत परेशानी की बात हो रही है। हमारी माताएं बहनें यहाँ को गोबर लेके घास लेके निकलती है तो कई बार तो गिर भी चुकी हैं यहाँ पर। मतलब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सर, जैसे हमारी गल पहले जैसे पहले की तरह थी वैसे ही करके दो हमको। हाँ जी, नाम आपका? नाम मेरा चंद्रपति है जी। जी, क्या समस्या आपकी है? मेरा लड़का है, छह भी नहीं होगी, टांग टूट रही है उसने, मैं ठाठा का गुद्दी पर भरका ले जी जी है? का एक का उसका अदरंग हो रहा है वो कालू रियो डाय पड़िया, मना समस्या बहुत घनी है, इतनी समस्या किसी ने को नहीं है, दूर तर दूर लग इतनी मन हो रही है जी। मतलब कहीं ना कहीं जो गली में ये पहाड़ी है निकड़ने पड़ने वाले भी मन गाल दे रहे हैं, नुका समार दी कोई नहीं, बता मैं क्यों कर समार, मेरे समार आया कोई ना, कोई कौन समारेगा? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं का दर्द है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नाम आपका? किताब बुआ जी। ये जो गली की समस्या है क्या? गली की समस्या जी बहुत है, हमारे अगला पासा घर चिणियाई लाग रही, हमारा सामान कुछ नहीं पहुँच सकता उड़ा लग। अच्छा, कितने दिन हो गए जी? इन्हें 3-4 महीने हो गए, उदन ते टूटी लग गई थी, ना पानी ढंग सर जानता, पैड का गेट तो दही
फिर इसका कुछ समाधान तो करो। मतलब आपने बोलिया नहीं जो ठेकेदार जिसने फाड़ी, ठेकेदार ने तो कही है, उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं करी भी करेंगे करेंगे यार, ईब लग नहीं कुछ भी बने ना। अरे सारी समस्या जी चिंती लाग रही, आगे हमारा कोई पौन नहीं जानता, सारा माटी तर और गेट का ले जाए सिरा पर डोनी पड़ा माने। हाँ ये मारा तो यार पानी भी नहीं जाता, टूटी भी नीचा गेट का, जब पानी ले थोड़ा बहुत। मतलब सारी समस्या गली के कारण है, गली की है सारी, रिकोटा काटा की भी सारी मान तो। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए नाम आपको। जी अब समस्या हमारा पानी कौन जाना, टूटी गली पड़ रखी सारी। अच्छा, हर ना कणक आंधी काम की, सारी कणक बेकार आवा नहीं जावा। जो गली की समस्या कितने दिन से है? या चार महीने से। चार महीने? हाँ जी। आप बार बार, मतलब हाँ बार बार हम घास लेकर आवा, से बोझ लेकर चला, चिक्कड़ में चल जाना, गिर भी जावा उनका, पूरा गांव सारा दुखी है। मतलब पूरा गांव की गली फाड़ रही है? हाँ, सारा गांव की गली फाट रही है। दोबारा बनाई नहीं है? दोबारा बनाई नहीं, ठेकेदार ना का हमारा टूटी भी लाई, ठेकेदार ना। अच्छा, क्या गली फाड़ के गे रखी है? बोले लावांगे बाद में, आज तक आए नहीं है।